सर इधर भी आना पड़ता है, मतलब एक गाड़ी पकड़ लो जो समस्या आ रही है उसको आप पूरी तरह से, नीचे वाला जो मोहल्ला है ना सर, वहाँ पे पानी जब से रोड बनी है कटिंग हुई है सब मट्टी होगी, तब से पानी की बहुत समस्या, पीने के पानी यहीं से जाता था वो पूरा उसी समय से, मतलब पानी के लिए बहुत परेशानी जा रही है। अच्छा, तो इंजीनियर इसमें एक नोट करो कि साइड से हमको खबर बालाघाट जिले के परसवाड़ा से। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लामता के चमन नगर से बैहर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य MPRDC द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत लामता के चमन नगर में CC रोड का कार्य निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन सड़क के ऊंचे होने के चलते बारिश का पानी सड़क से लगे ग्रामीणों के लगभग आसपास के 100 से भी ज्यादा अधिक मकानों में जल भराव हो जाता है, जिससे यहां निवास करने वाले ग्रामीणों को भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की परेशानियों की खबर लगते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत के द्वारा तत्काल मौका स्थल का मुआयना किया गया। इसी दौरान मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संभाग आयुक्त से दूरभाष से चर्चा कर सड़क के दोनों ओर नालियां निर्माण कराए जाने के संदर्भ में चर्चा कर निर्देश दिए गए। इस दौरान स्थल मुआयने के दौरान पूर्व विधायक मधु भगत द्वारा सड़क निर्माण कार्य कर रही निर्माण एजेंसियों के ठेकेदार को बुलाकर सड़क निर्माण के चलते आमजन को जो परेशानियां हो रही है उससे अवगत करवाया गया तथा तत्काल ग्रामीणों को हो रही समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए गए। इस दौरान परसवाड़ा लामता ग्रामीण सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। खबर भारत न्यूज के लिए फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। आज जैसा कि चमन टोला में हमारे लगभग 60 घर हैं, चमन टोला बस्ती के अंदर भुंडवा पंचायत के अंतर्गत है। लामता से जब रोड का निर्माण चालू हुआ है 52 किलोमीटर ये रोड है, 52800 ये बैहर टू चमन टोला लामता के लिए रोड निर्मित का MPRDC की तरफ से टेंडर हुआ है। चूँकि यहाँ रहवास में रोड का निर्माण हो रहा है और रोड ऊँची बनी हुई है और साइड में पूरे घर हैं, कहीं ना कहीं पे बरसात का पूरा पानी लोगों के घरों में घुसेगा, इस विषय में मुझे यहाँ की जनता ने बुलाया। रोड पर काफ़ी अनियमितताएं हैं ऐसा जनता का कहना है और देखा भी गया है, इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी हुई है यहाँ पर जो कार्यरत हैं काम करने वाले हैं? निश्चित तौर पे मैंने अभी MPRDC के अधिकारी से संपर्क किया मिस्टर आड़े, उनको मैंने सारी चीज़ों की यहाँ की जानकारी उनसे ली और यहाँ की जानकारी उनको दी कि रोड की किस क्वालिटी का निर्माण होना चाहिए, रोड कैसी होनी चाहिए और रोड के आसपास जो पब्लिक जहाँ रहवास इलाका है वहाँ पे उसकी व्यवस्था क्या रखनी चाहिए। तो उनकी जानकारी में आया कि रोड का लेवल हमने इतना रखा हुआ है कि लोगों के घर में पानी नहीं घुसेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड इस वक्त मकानों के ऊपर है तो निश्चित तौर पर पूरा पानी लोगों के घरों में घुसेगा। ये उनको मैंने यथार्थ यहाँ की वीडियो के माध्यम से और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर मिस्टर उदय उनको भी साक्षात दिखाया और जनता ने भी बोला है। मैंने उनको ये चूँकि मैं आदेश दे नहीं सकता लेकिन मैंने एक निवेदन उनसे किया हुआ है मिस्टर आड़े से MPRDC से कि आप जहाँ तक रहवास है वहाँ तक दोनों साइड रोड के नाली का निर्माण करें, पक्की नाली का निर्माण करें और अगर कोई टूट फूट किसी घर की कोई परेशानी है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदारी ले और उसको समाधान करे। रहा सवाल अनियमितताओं का, तो निश्चित तौर पे जब काम होते हैं तो अनियमितताएं होती ही है। जागरूक नागरिक की तरह और जागरूक जनप्रतिनिधि की तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ अनियमितताएँ उसका हम पूरा चेक करेंगे, सर्वे करेंगे और जहाँ अनियमितताएँ वहाँ पर कटघरे में ठेकेदार भी खड़ा होगा और प्रशासन भी खड़ा होगा। बैहर से लामटा सड़क का नवीनीकरण हो रहा है एक प्रकार से, तो इसमें जो सड़क पहले बनाई गई थी उसको खोदकर सड़क का निर्माण करना चाहिए था या सड़क के ऊपर ही सड़क बना देनी चाहिए थी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं होता है? देखिए, सड़क का निर्माण जब होता है, नवीन सड़क का निर्माण होता है तो निश्चित तौर पर पूरी बोल्डर शोल्डिंग के साथ उसके ऊपर हर वो टेक्निक यूज़ की जाती है जो रोड की एक क्वालिटी और उसकी उपयोगिता मजबूती की तरह वो लॉन्ग टाइम चले, लेकिन ये जो सड़क है ये पुरानी सड़क है और इसमें पहाड़ी इलाका भी करीब करीब 12-13 किलोमीटर का यहाँ है और 5-6 किलोमीटर का हमारा बगोली के पास से रुपया देने के लगी तू चल 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 देखो देखो सुनो 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 तुम्हारे घर के अंदर पानी नहीं घुसेगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठेकेदार भी इंजीनियर भी अधिकारी से मेरी बात हो गई है, अब मैं हूँ ना तेरे पास। हैं तुरुती का बड़ी शानी माँ है, नहीं नहीं
हम उसकी व्यवस्था बना देंगे, पूरा पूरा यहाँ की नाली वाली की जो भी है साइड की व्यवस्था हम बना देते हैं, आप बिल्कुल ठीक है। क्या है तुम्हारी शिकायत, क्या बताओ? अभी पानी की तकलीफ है, क्या है रोड बन गया, रोड बनने से पाइप वाइप टूट गए हैं, तब वो पानी के लिए थोड़ा सा पाइप वाइप के लिए रोड उसमें दब भी गया टूट भी गया। पाइप वाइप लगवाओ सर, कहाँ गया टूट फूट हो गया। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें पंकज डहरवाल, कॉन्टैक्ट नंबर 9826564928। कार्यालय का पता, प्रेस मीडिया कार्यालय, तिरोड़ा रोड, खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।